हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है नैनीताल व्लॉग। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी नैनीताल आऊँगी, जब भी मुझे टाइम होगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नई नई प्लेसेस। तो आज हम जाने वाले हैं राजभवन। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग्स में भी बताया था कि राजभवन हम जाने वाले थे बट हम नहीं जा पाए थे, तो आज हम राजभवन जाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और मेरे साथ मेरी फ्रेंड करिश्मा आएगी, और तो अभी कोई फ्री नहीं है या कोई आया नहीं है, तो इसलिए हम दोनों ही जा रहे हैं। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आपके साथ पूरा रास्ता एंड सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज, हम रूम से निकल चुके हैं और पीजी के बाहर आ चुके हैं। तो जैसे जैसे रास्ता होगा, कॉलेज से ही रास्ता है ऊपर को, तो जैसे रास्ता होगा कॉलेज से ही रास्ता है ऊपर को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? सो ये रास्ता है एंड ये कॉलेज का ही गेट है। सो गाइज, ये कॉलेज के ही ऊपर का रास्ता है और यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर व्यू है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। पर जो मेरी आंखों के सामने व्यू आ रहा है ना, वो इससे कहीं ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो वो तो कैमरे पे कैद नहीं हो सकता, बट हाँ मैं बता सकती हूँ आपको कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये ऊपर को रास्ता है और इसी रास्ते से ऊपर को जाते समय जियोलॉजी डिपार्टमेंट भी आता है, तो एक दिन हम वहाँ भी चलेंगे। वहाँ मंजू आंटी के पराठे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो वो भी देखने चलेंगे। पहले अभी हम राजभवन जाते हैं। अभी लेक भी दिखेगी आपको यहाँ से, मैं दिखाती हूँ। ये है ओवरऑल व्यू। सो दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, इतना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मुझे हर स्पॉट से इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें दिख रही हैं, तो बिल्कुल मतलब मुझे मज़ा ही आ जा रहा है देखने में। तो वही मैं आपसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम आ चुके हैं राजभवन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके सब दिखाऊंगी। स्कूल भी है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं कि राजभवन खुला होगा नहीं खुला होगा, क्योंकि अभी 1 बज रहा है। सो लेट्स सी। और यहाँ पे चर्च भी है। टीका सुरक्षित और जरूरी है। टीका क्या कहा? टीका सुरक्षित और जरूरी है। हाँ जरूरी तो है, कोविड वैक्सीन सुरक्षित और जरूरी है। लगा ले फिर। लगा लिए, 2 डोज हो गई, तीसरी भी आ जाएगी। ये है चर्च। चर्च तो बंद है शायद, या खुला होगा तो अभी चले जाएंगे जैसा भी होगा। और चलते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी अंदर का। तो शायद नहीं दिखा पाऊंगी, बट जितना हो सकता है मैं दिखाऊंगी। सो गाइज, अभी राजभवन तो 2 बजे खुलेगा, अभी बज रहे हैं 1। तो हम अभी चर्च घूमते हैं। तो ये लोग जो अभी टूरिस्ट आए हैं, उनको जो लोग गाइड कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में 4 ही चर्चें देखने वाले। सो लेट्स सी ऐसा क्या है। ये वाले यहाँ है चर्च। सो हम आ चुके हैं चर्च पे। नाम क्या है इस चर्च का? पता नहीं क्या नाम है भाई। सो गाइस, हम इस चर्च में तो आए थे बट ये बंद है, तो अब हम दूसरे चर्च पे जाते हैं। लेट्स गो। ओके गाइस, तो आफ्टर कमिंग फ्रॉम the first visit from the first church that we visited, now we are going to second church, which is Saint Francis Home. So let's see, ये open है या नहीं है। ये open तो रहता है, मैं last time भी आई थी एक बार। तो let's see, let's go. इसमें लिखा है ये सुबह 9 बजे से खुलता है। ओके, तो ये वाला चर्च तो खुला है और हम आ गए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा अगर अच्छा सा व्यू होगा तो हम यहाँ पे फोटोशूट वगैरह कर लेंगे। ओके सो लेट्स गो। क्या पागल ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? सो गाइज, हम चर्च में तो देखा है बट बहुत ज़्यादा शांत था और वहाँ कोई भी ना, तो हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था, बट हमने देख लिया। हमने यहाँ ये वाला चर्च तो खुला था तो हमने देख लिया, और इसका ओवरऑल व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बहुत बड़ा ग्राउंड टाइप है। सो ये है ये चर्च। सो गाइज, हम यहाँ से अब जा रहे हैं, हमने फ़ोटोशूट्स वगैरह सब कर लिए, तो अब हम जाते हैं, और अब हम जा रहे हैं राजभवन। सो लेट्स सी, वहाँ पे अंदर तो फोटोग्राफ्स खींचना अलाउड नहीं है, बट मैं बाहर का व्लॉग आपको दिखा दूँगी, और टिकट कितना होता है वो भी मैं अभी आपको बता दूँगी। तो आप देख सकते हो 50 रुपीज़ एडल्ट टिकट है। ओके, सो गाइज, हमने ले लिए हैं टिकट राजभवन के। सो 50 रुपीज़ है इसका किराया। तो हम पहुंच गए हैं राजभवन के अंदर, बट स्टिल अभी हमें अलाउड नहीं है क्योंकि 1:30 हो रहा है, तो दो करेक्ट 2 बजे हम अंदर जाएंगे। तो ये है पूरा बाहर का व्यू। यहाँ पे जो पेड़ था वो बहुत ही प्यारा था, क्योंकि पेड़ का जो शेप था वो बिल्कुल त्रिशूल जैसा था और बहुत पुराना पेड़ था, तो इसीलिए गाइड अंकल बोल रहे थे कि फोटो वगैरह खींचो, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। गाइज, मैंने और करिश्मा ने राजभवन देख लिया। सो इट वॉज सो ब्यूटिफुल, आप ज़रूर आना, देखने वाली जगह है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। हमने तो सोच लिया था हम यहीं रहने वाले हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर था, और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने ये बताया कि 1897 में ये बना था अंग्रेज़ों ने, हाँ बहुत साल काटे, और 1947 तक। सो ये सब था और काफ़ी कुछ बताया, तो अच्छा लगा, नई चीज़ जानने को मिली अपनी हिस्ट्री के बारे में। सो इट वॉज़ गुड। तो गाइज, अब करिश्मा बताएंगी कि उसे राजभवन कैसा लगा। सो कैसा लगा? बहुत प्यारा। आपको क्या करने का मन था वहाँ? बॉल रूम था, उधर जाके कूद के नाचने का। वो हमें वहाँ पे एंट्री नहीं दी गई, वहाँ पे उनके रूम से राष्ट्रपति, हाँ, तो वहाँ पे डीएम वगैरह भी नहीं रहते हैं, सिर्फ वो देखने आते हैं। तो ये सब था, तो सुरक्षा के लिए, हाँ सुरक्षा मतलब मेंटेनेंस के लिए, और सब चीज़ की कोई सिक्योरिटी में हार्म ना करे, और वो सब के लिए। तो ओवरऑल बहुत ही सुंदर जगह है, आप ज़रूर नैनीताल जब आएँ तो ज़रूर देख के जाएँ। और अभी हम अपने पीजी जाते हैं क्योंकि वहाँ अर्जेंट कुछ काम आ गया, तो वहाँ जाते हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा, और मैं इंस्टाग्राम पे पिक्स भी अपलोड करूँगी, सो आप पिक्स भी देखना, बहुत अच्छी पिक्स आई हैं। सो या ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।